अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अमर नॉलेज ऑल ऑफ यू वुड बी डूइंग वेल टुडे वी आर गोन डिस्कस सम मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज दैट इज अबाउट जनरल नॉलेज सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एमसीक्यूज इज व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी यानी कि ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है तो वो है लिवर व्हिच स्ट्रेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका इंडिया को श्रीलंका से कौन सी स्ट्रेट सेपरेट करती है तो वो है पाक स्ट्रेट पाक स्ट्रीट ये एशिया की एशिया कॉन्टीनेंट की जियोग्राफी में मैं ये सारे स्टेट्स कवर करवा चूँकि उसमें मैंने पाक स्टेट का भी बताया है आप लोग प्ले लिस्ट में जाके जो हैं वो लेक्चर देख सकते हैं द यू एन सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ फिफ्टीन मम्बर्स जो यू एन के सिक्योरिटी यू एन सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइट नेशनस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके कितने मैंबर्स हैं तो उसके टोटल फिफ्टीन मम्बर्स हैं जिसमें से जो पाँच जो हैं वो परमानेंट मेबर्स हैं जिनके पास वीडो पावर है जैनवा इज़ सिटी ऑफ विच कंट्री जैनवा किस मुल्क का जो है सिटी है तो वो है स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड जो है ये यूरोप कॉन्टीनेंट में मौजूद है ओके बनजोसल एक सिचुएट इन एजे के ए जे के मीन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो पाकिस्तान में कश्मीर का जो एरिया है उसमें मौजूद है अरब स्प्रिंग स्टार्टड फ्राम विच कंट्री अरब स्प्रिंग जो है किस कंट्री से स्टार्ट हुई तो वो है तुनीश्या. नेक्स्ट है वन पाकिस्तान ज्वाइन ओ आई सी पाकिस्तान ओ आई सी को कब जॉइन किया तो वो है नाइनटीन सिक्सटी नाइन में अब ओ आई सी क्या है मोस्टली लोगों को पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि ओ आई सी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कापोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कापोरेशन अब ये नाइनटीन सिक्सटी नाइन में बनी अब इसका मकसद बनाने का क्या था कि मस्जिद अक्सा पर जब अटैक हुआ तो उसके बाद जो मुस्लिम कंट्रीज़ थे उन्होंने मिलकर इस जो है ऑर्गेनाइजेशन को या इस तंजीम को बनाया इसका मकसद था मुस्लिम कंट्रीज़ की ये जो ऐसे हॉली प्लेसेस हैं उनको सेव करना या इन शॉर्ट मुस्लिम कंट्रीज़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इनके तहफ़ के लिए काम करना ये इसका मकसद था अब इसका पुराना नाम जो था वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ठीक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जिसको चेंज करके कॉन्फ्रेंस से कॉपरेशन कर दिया गया मतलब इस्लामिक कंट्रीज में मुस्लिम कंट्रीज में कॉपरेशन करना ठीक है तो अब इसका जो फर्स्ट जो सुमित या पहला इजलास जो हुआ था वो हुआ था 22 से 25 सितंबर तक 1969 में 22 से 25 सितंबर तक इसका जो है फ़र्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद जो है इसका जो हेड है, क्वार्टर है वो जद्दा में है ठीक है जद्दा सऊदी अरेबिया में है ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं क्लाउड गेट इज़ लोकेटेड इन शिकागो शिकागो में है उसके बाद है, उसके बाद है शाहनामा इस्लाम वाज रिटन बाय शाहनामा इस्लाम किसने लिखी तो वो है हफीज़ जलिंदरी ने जासमी इज़ पॉपुलरली नोन एज़ यानी कि जैसमीन का दूसरा नाम क्या है तो वो है चम्बेली ओके मीरानी डैम इज लोकेटेड इन बलोचिस्तान यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, जो मीरानी डैम है वो किस रिवर पर बनाया गया तो वो है दस्त रिवर पर ठीक है दस्त रिवर दस्त रिवर जो है ये बलोचिस्तान में मौजूद है एक हब रिवर है उधर दूसरा दस्त रिवर है ठीक है तो ये जो मीरानी डैम है ये दस्त रिवर पर बनाया गया पीट वी इट्स कलर ट्रांसमिशन ऑन बीस दिसंबर नाइनटीन सेवेंटी सिक्स एन ई सी कंपनी बिलोंग टू एन ई सी कंपनी जो है ये किससे बिलोंग करती है तो ये जापान की कंपनी अब एन ई सी का मतलब है निपोन इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड द नोबल प्राइज फॉर पीस इज गिविंग टू दिटी इन दिटी ऑफ ओसलो यानी कि फर्स्ट नोबल प्राइज जो है यानी कि पीस अमन के लिए जो नोबल प्राइज दिया गया वो है ओस्लो को अब ओस्लो जो है ये नॉर्वे का सिटी है नॉर्वे नॉर्वे जो है ये यूरोप में मौजूद है हो इज़ दी फाउंडर ऑफ़ स्काउट मूवमेंट स्काउट मूवमेंट का जो फाउंडर था वो कौन था रॉबिट बैडन पॉल मैंशन द रिलीजियस बुक ऑफ बुद्धिज़म बुद्धम जो है उनकी जो रिलीजियस बुक कौन सी है तो वो है टिपिट का निम दिन ऑफ हज़रतम स्प्रिंग आर द ज्यूज यानी कि जिनका जो ऑफ स्प्रिंग थे यानी कि यहूदी थे तो उनका नाम था यहूदा विच सूरा ऑफ हॉली कुरान बिस्मिल्लाह ये क्वेश्चन तो बहुत दफ़ा आया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सी कुरान पाक की सूरत है जो जिसमें बिस्मिल्लाह दो दफ़ा आती है तो वो है सुरह नमल और एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी सुरा इस कुरने पाक की जिसमें बिसमिल्ला नहीं है तो वो है सूर्य तोबा मस्जिद जो मस्जिद जो कबलाइट इन मदीना वाज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो पहले प्रेजिडेंट कौन से तो थे सर आगा खान दी अहराग मोमेंट वाज स्टार्टिड एज अ नेशनल एंड मिलिटेंट मोमेंट जो अहराग मूमेंट थी ये नेशनल और मिलीटेंट मोमेंट थी और उसके बाद जो है द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल अंडर लॉर्ड क्रूजन टू प्लेस इन नाइनटीन जीरो फाइव यानी कि जो बंगाल की पार्टीशन हुई उन्नीस सौ पाँच में तो उसमें जो जो कौन थे वहाँ पे लॉर्ड क्रूजन थे वो कब हुई उन्नीस सौ पाँच में औरमरा पोर्ट इज़ इन विच प्रोविंस औरमरा पोर्ट जो है ये पाकिस्तान की पोर्ट है और ये पाकिस्तान के सिंध में मौजूद है एक पसनी है एक और मरा है ठीक है एक गवादर है कराची पोर्ट है और बिन कासी है और के टी बंदर है ठीक है ये पाकिस्तान के पोर्ट्स के नाम हैं तो उन्होंने पूछा है कि और किस में है तो ये सिंध में मौजूद है द ताजमहल वाज बिल्ड बाय शाहजहाँ ताजमहल किसने बनवाया शाहजहाँ ने अटक फोर्ट किसने बनवाया वो अकबर ने ताजमहल शाहजहां शाहजहाँ और अटक फोर्ट किसने बनवाया अकबर ने जी टी रोड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शेर शाह सूरी जो जीटी जी टी रोड जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो सबसे पहले शेर शाह सूरी ने बनवाया लाहौर फोर्ट वाज बिल्ट बाय अर्क अकबर ठीक है बादशाह अकबर उसके बाद है बीबी का मकबरा वाज बिल्ड बाय औरंगजेब पिकोक थॉर्न वाज बिल्ड बाय शाहजहाँ शालीमार गार्डन वाज बिल्ड बाय शाहजहाँ बादशाह मॉस्क वाज बिल्ट बाय औरंगजेब आलमगिरी गेट वाज बिल्ड बाय औरंगजेब रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट बाय शेरशाह सूरी मोती मस्जिद ऑफ रेड फोर्ट वाज बिल्ट बाय शेरशाह सूरी कुतुब मीनार वाज बाय कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार से याद रख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक आगरा फोर्ट भी अकबर ने बनवाया ठीक है उसके बाद है शीश महल शीश महल वाज बिल्ट बाय शाहजहाँ शीश महल ठीक है जो लाहौर फोर्ट में है वज़ीर खान मस्जिद बिल्ड पाए शाहजहाँ तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट चीखे एम सी क्यूज सो आपको समझ आ गई होगी इसमें कुछ मिक्स एम सी क्यूज ही थे इसमें लेकिन इसमें जो मोस्टली एम सी क्यूज थे वो पाकिस्तान स्टडीज या हिस्ट्री से रिलेट करते हैं एम सी क्यूज हैं केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग